नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। सभी को जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय। त्रिदेवों में भगवान शिव महादेव कहलाते हैं। अमृत पीने वाले देव बने, लेकिन अमृत संसार को बांटकर स्वयं विष पी करके विष से संसार को बचाने वाले उदार और करुणा मूर्ति भगवान शिव महादेव कहलाए। वास्तव में ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों गुणों के अधिष्ठाता के रूप में माने जाते हैं। सत्वगुण के अधिष्ठाता के रूप में भगवान विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठाता के रूप में भगवान शिव ब्रह्मा, और तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में भगवान शिव की मान्यता है। अलग अलग समय पर अलग अलग गुण का प्रभाव हमारे मन के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारी प्रवृत्ति के ऊपर होता है। कभी हमारी वृत्ति प्रवृत्ति सत्वगुणी होती है, कभी रजोगुणी होती है, कभी तमोगुणी होती है। त्रिगुणात्मिका इस सृष्टि में निरंतर इन तीनों गुणों का कार्य चलता रहता है और तीनों का कार्य आवश्यक है। बिना रजोगुण के आप कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते, बिना तमोगुण के आप निद्रा में नहीं जा सकते, बिना सत्वगुण के आप शांत प्रसन्न नहीं हो सकते, आप ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए विष्णु संबंधी जो वैष्णव पुराण हैं, या तो शिव संबंधी जो शैव पुराण और शैव ग्रंथ हैं, उनमें कहीं पर तो भगवान विष्णु की महिमा का गायन हो रहा है और कहीं पर भगवान शिव को सर्वोपरि बताया जा रहा है। उसमें किंचित भी असत्य भी नहीं है और अयोग्य भी नहीं है। कभी किसी गुण का प्रभाव, कभी किसी गुण का प्रभाव, ये हमारे व्यावहारिक जीवन में भी रहता ही है। भगवान शिव महादेव है। भागवत जी की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के क्रोध करने से, उनकी भ्रुकुटी से जो एक पुरुष प्रकट हुआ वो रुद्र कहलाया। तो वैसे विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से भगवान शिव का प्रादुर्भाव माना गया है। वैसे तीनों में कार्य कारण का संबंध है, ऐसा भी कह सकते हैं।
एक बड़ी विचित्र और विनोदपूर्ण कथा कहा जाता है कि भगवान शिव जी का जब विवाह संपन्न हो रहा था गोत्रोच्चार करना पड़ता है विधि में, कन्या पक्ष का गोत्रोच्चार होता है, वर पक्ष का गोत्रोच्चार होता है और तीन पीढ़ी के पूर्वजों का स्मरण किया जाता है कि भाई ये जो वर है इसके पिता कौन हैं, पितामह कौन हैं और प्रपितामह कौन है। शंकर जी से पूछा गया कि आपके पिताजी का नाम बताओ। वैसे तो भगवान शिव अजन्मा हैं, उनके कौन माता पिता हो सकते हैं। शिव और भवानी ही संपूर्ण सृष्टि के माता पिता है। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जो स्वयं इस सृष्टि का आदि कारण है, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, और कारण का कारण कौन हो सकता है। वास्तव में जिसका कोई कारण नहीं वही वास्तविक कारण है। अतः भगवान शिव का उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, शिव अजन्मा है, स्वयं भूहु है। लेकिन अब विवाह की विधि चल रही है तो गोत्रोच्चार में उच्चारण करना पड़ता है, तो पूछा गया कि आपके पिता का नाम बताओ। व्यावहारिक दृष्टि से भगवान शंकर जी ने बता दिया कि भाई कह दो ब्रह्मा, हम ब्रह्मा की भ्रुकुटी से हुए। और इसका भी कारण है कि ब्रह्मा जी को जब क्रोध हुआ तो क्रोध का स्थान भ्रुकुटी में है, भ्रुकुटी हमारी इस प्रकार से वक्र हो जाती है और भगवान शिव रोष के देवता है, रुद्र कहलाते हैं। अच्छा, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपके पितामह का नाम बताओ, ब्रह्मा जी के पिता कौन है। भगवान शिव जी ने कह दिया, बोल दो विष्णु। अच्छा, तो आप विष्णु के पौत्र हैं, आप किसके प्रपौत्र हैं, आपके प्रपितामह का नाम बताओ, यानी विष्णु के पिता का नाम बताओ। अब भोले बाबा ने विचार किया कि अब क्या जवाब दिया जाए, हमारा पिता हमने बता दिया ब्रह्मा को और ब्रह्मा का पिता बता दिया विष्णु को, अब विष्णु का पिता कौन। ऋषि मुनि पूछे जा रहे हैं कि भाई एक ही बाकी रह गया है, आपका प्रपितामह का नाम बताइए, आपके पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता कौन। अंत में महादेव जी मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा के विष्णु के पिता हम, कह दो महादेव। इस वार्ता में विनोद भी है लेकिन सत्य का दर्शन भी है। वास्तव में एक ही तत्व के तीन स्वरूप है और व्यवहार की दृष्टि से कह सकते हैं हम कि कार्य कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव रोते हैं इसलिए रुद्र है, रो रहे थे इसलिए रुद्र। क्यों रो रहे थे, बोले एक तो अपने अनुगत भक्तों के दुखों को, पीड़ा को देख करके वे इतने द्रवीभूत हो जाते हैं कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में कहा है, जांचिए गिरिजा पति काशी जासु भवन अणिमा दिक दासी, जांचिए गिरिजा पति काशी जासु भवन अणिमा दिक दासी। भगवान शिव द्रवत पुनि थोरे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं, अतः आशुतोष कहलाते हैं। और कहते हैं, देखिन सकत दीन कर जोरे, जो दीन है, गरीब है, पीड़ित है, उन्हें हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए वे देख नहीं पाते, इतना करुणामय स्वभाव है उनका, इसलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम कहते हैं भोले बाबा को। अब उमा रमन करुणा अयन, उनकी आंखों में सदा करुणा है, तो इसलिए रो देते हैं वे अपने भक्तों के दुखों को देखकर, इसलिए भी रुद्र है, और पापियों को रुलाते भी हैं, जो दुष्ट है उन्हें दंड देते हैं, उन्हें रुलाते भी हैं। अतः भगवान रुद्र भी है, वो शिव भी है, कल्याण करने वाले हैं। और जब भी भगवान शिव आते हैं हमारे पास, यानी कल्याण जब भी आएगा आपके जीवन में, तो धर्म पर सवारी करके ही आएगा, यानी नंदी पर सवारी करके ही आएगा। अतः सत्यम वद धर्मं चर धर्मम भजस्व सततम। आज शिवरात्रि के महापर्व पर देखो, रात्रि भी काली है और रात्रि का अंधकार, रात्रि में निद्रा, तमोगुण, सबके अधिष्ठाता देव महादेव है। वैसे शिवरात्रि अनेक अन्यान्य भावों से भी मनाई जाती है, तो शिवरात्रि के दिवस पर भगवान शिव की आराधना, पूजा, अभिषेक का विशेष महत्व है। यहाँ श्री हरि मंदिर में भगवान चंद्रमौलीश्वर महादेव विराजते हैं, पराम्बा भगवती गिरिजा और भगवान नारायण के चरण की धोवन स्वरूपा गंगा, नंदी, कुर्म, गणेश, हनुमान इत्यादि सब देव जो होते हैं शिवालय में, आज सबकी हम पूजा अभिषेक करेंगे। रात्रि में चार प्रहर की पूजा होगी विधिपूर्वक, चार लघुरुद्राभिषेक के द्वारा रात्रि में अर्चन किया जाएगा और भगवान शिव जी की दिव्य झांकी भी सजाई जाएगी। इस बार के शिवरात्रि के मनोरथी के रूप में लेस्टर निवासी हमारे स्वर्गस्थ रमेश भाई आचार्य का परिवार है, वे वहाँ से ऑनलाइन जुड़ेंगे और इस तरह से भगवान शिव जी की आराधना का अपना मनोरथ संपन्न करेंगे। भगवान शिव से आप सभी के मंगल के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए आप सभी को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई। शंतनोतु नः। भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करते हुए ओम नमः शिवाय, हरिओम।